के गले में पट्टा डालने का मामला, आरोपी के घर चला नगर निगम का बुलडोजर। अतिक्रमण की कार्रवाई का परिजनों ने विरोध किया है। निगम के कर्मचारियों ने परिजनों को वहां से हटाया और युवक के गले में पट्टा डालने का ये पूरा मामला था, जिसके बाद अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। आरोपी के घर चला निगम का बुलडोजर। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह का कृत्य इन्होंने किया है, और इससे जो तमाम हिंदू संगठन हैं वो भी काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। बेहद शर्मनाक घटना ये सामने आई और अब एक सबक सिखाया जा रहा है। यहाँ पर बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की गई है, जो अवैध निर्माण था उसको गिराया गया। परिजनों का विरोध भी इस बीच देखने को मिला, लेकिन परिजनों को साइड कर वहां पर जो कार्रवाई का सिलसिला था वो लगातार चलता रहा। जैसे ही खबर सामने आई, मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश इस पूरे मामले में रहे और उसके बाद अब एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बुलडोजर के जरिए जो अवैध निर्माण था उसको गिरा दिया गया है। युवक के गले में पट्टा डालने का ये पूरा मामला था, जिसके बाद कई संगठन नाराज दिख रहे थे। इस पूरे मामले को धर्मांतरण से भी इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है और उसके बाद जो एक्शन है वो होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है और यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। जो मकान है उसे तोड़ने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है, और इन तस्वीरों से अगर हम अंदर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से जो ये जो कार्रवाई है इसको अंजाम दिया गया है। क्योंकि बड़ी संख्या में ये बताया जा रहा था कि जो प्रशासन का अमला है वो मौजूद है, और देखिए चूंकि अंदर की ओर ये कार्रवाई चल रही है, और मैं आपको ये बता दूंगा कि जिस प्रकार से सुबह ही हमने देखा था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात के निर्देश दिए थे कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद जो प्रशासन का अमला है वो यहाँ पर अलर्ट होता है और अलर्ट होने के बाद यहाँ पर जो तोड़ने की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाता है। तो देखिए अंदर की जो तस्वीरें है उनके माध्यम से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से अंदर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से कृत्य एक सामने निकल कर आया था उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कैसे भी करके ये जो अतिक्रमण है इसको तोड़ा जाए, जिसके बाद जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर पहुंची। नगर निगम का अमला पहुंचा, पुलिस प्रशासन के यहाँ पर जो लोग थे वो पहुंचे थे, और पहुंचने के बाद यहाँ पर जो तोड़ने की कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई। इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं कि जो सामान है पूरा वो यहाँ पर बाहर निकाल के रखा हुआ है, और ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर विरोध भी होता हुआ नजर आया था कि यहाँ के जो लोग थे जो इस घर के अंदर रहते थे उन्होंने विरोध किया था कि ये मकान उनका नहीं है जिनके नाम से तोड़ा जा रहा है। समी जो बताया जा रहा है जिस आरोपी का मकान तोड़ा जा रहा है उसकी बहन यहाँ पर निवास करती थी ऐसा बताया गया, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से इसको चिन्हांकित किया और चिन्हांकित करने के बाद इस मकान को तोड़ा जा रहा है। सामने देख सकते हैं कि तमाम जो परिजन हैं वो बाहर हैं इस समय, और बाहर होने के बाद वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो मकान तोड़ा जा रहा है वो गलत है, और साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से जो कार्रवाई है जो की गई उसका कहीं ना कहीं विरोध है, और यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाने की जो बात है वो की जा रही है। तो ये तस्वीर अपने आप में मुख्य हो जाती है, और बताया जा रहा है कि तमाम जो चीज़ें वो यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब जो कार्रवाई हो रही है इस कार्रवाई को लेकर कहा जा रहा है कि आरोपियों का मकान है इसलिए तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, आरोपी है ना, सलीम है, सलीम है। आपने वीडियो देखा क्या? सुनिए तो आरोपी वीडियो देखा है? हाँ देखा, देखा आरोपी है ना। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे वो जो आरोपी? वो गलत है। अच्छा, जो कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं वो गलत है, गलत है, गलत है, वो तो गलत है, ठीक है ना। अच्छा, जिसने अपराध करा है उसको आप सजा दीजिए ना। आप पिताजी हैं बच्चे? जी 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 जी। जब आपने वो वीडियो देखा तो आपने उस वीडियो को, आपने एक महीने पुराना वीडियो, आपने नहीं नहीं सुनो तो आज ही देखा है सर, आज ही सूचना में, आज ही देखा, आज ही देखा है। इससे पहले हमें नहीं मालूम क्या हुआ। उस वीडियो देखने के बाद और इस कार्रवाई के बाद आप क्या कहोगे? अल्टीमेटली घर में जब कोई एक सदस्य इस तरह की हरकत करता है तो उसकी सजा? तो यहाँ पर नहीं, तो ये सजा उसको दीजिए ना आप, क्या हमें देंगे? ये हमारे बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? वो तो एप्लीकेशन मिलने लगी, हमने एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन थाने। जो पट्टा है ये किसके नाम का है? ये किसका? हमारे बाप के नाम का है, हमारा भी नहीं है, हमारे बाप का मकान है ये। ये जो कार्रवाई हो रही है इसको लेके क्या कहेंगे आप? ये जो कार्रवाई हो रही है इसको लेके तो गलत है ना ये। कहाँ से गलत, क्यों? मतलब नहीं नहीं भाई, मैं इतना जानता हूँ जो अपराधी है मैंने अपराध किया, सजा आप मुझे दो या मुझे या मेरे बच्चों को दोगे आप, ये बताइए आप बताइए।
किसको मिलना था? कहा आपसे जो प्रशासन के जो लोग आए थे उन्होंने आपसे क्या किया या फिर सीधे सामान बाहर निकाल? नहीं नहीं कुछ नहीं किया प्रशासन ने, मुझसे कुछ नहीं किया, कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, सूचना नहीं दी ना क्या? देखिए बगैर सूचना के यहाँ पर कोई सूचना ही नहीं दी सर। तो यहाँ पर प्रशासन का जो हमला था वो बगैर सूचना के आया था और बगैर सूचना के जो यहाँ पर कार्रवाई है वो की गई है। और देखिए घर की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे बात करेंगे, ये कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहें? बेटा उनका है, उनका आप डोलो, मगर हमारे हाथ नहीं लगना चाहिए। हमारे बच्चे छोटे छोटे मजदूरी को जाते हैं, अभी देखो मजदूरी से आया, कहाँ जाते हैं, कहाँ पर जाते भाई? 11 मील जाते बेटा, 500 रुपए मिलते रोज, बच्चे छोटे छोटे कहाँ रखेंगे? हमारे जगह नहीं है छोटी है, अपना बंगुओं का गुजारा, हम नारा देव हमारा कोई नहीं है। जो मकान बना था ये एंटी किसका मकान? जे हमारा है, हमारे मियाँ का है, हम उनसे कोई वास्ता नहीं है। जो आरोप जो समीर ससुर का था बेटा जी, सास ससुर का मकान। हाँ। कोई सूचना दी गई आपको पहले आके? आप इनका पूछो, आप हमको इस पता नहीं है। ये जो मकान है उसको लेके कहा जा रहा है कि ये जो मकान है इनके सास ससुर का मकान था, इनका मकान नहीं था, जिसके बाद जो कार्रवाई है, परिवार पूरा बाहर है इस समय, जो अंदर है कार्रवाई चल रही है लगातार, यहाँ पर जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है कि परिवार है, ये परिवार भी कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है कि उन्हें भी न्याय दिया जाए, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को लेकर यहाँ पर उन्होंने उनके द्वारा जो विरोध है वो जताया गया है। निगम का जो हमला है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो पुलिस बल है उसको भी तैनात किया गया है, पुलिस का जो हमला है वो भी यहाँ पर संख्या में तैनात है, साथ ही साथ जो पूरा सामान है उसको भी बाहर निकाला गया है। तो यहाँ पर एक जो बड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है, जिस प्रकार से नगर निगम का अमला यहाँ पर पहुंचा, पुलिस प्रशासन पहुंचा और प्रशासनिक अमले के बाद अब यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बिल्कुल ये कार्रवाई का सिलसिला वहां पर चल रहा है, लेकिन क्या अभी और भी कार्रवाई होनी है जितेंद्र? जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे घर को ना छेड़ा जाए, तो क्या अभी और घरों पर भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी तो ये जो एक आरोपी बनाया गया है समीर, उसके घर पे ये कार्रवाई चल रही है। अभी जो फैजान है दूसरा आरोपी, उसके घर पे भी कार्रवाई होनी है और एक जो तीसरा आरोपी है उसके घर पे भी जो कार्रवाई है वो होनी है। तो यहाँ पर नगर निगम का जो हमला है वो तीन जगहों पर डिवाइड हो रहा है ताकि अलग अलग जगहों पर जो कार्रवाई है वो की जा सके। जिस प्रकार से हमने देखा था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक को गले में पट्टा डाला जाता है, पट्टा डालने के बाद उस युवक को पूरी तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से धर्मांतरण करने का जो उसको कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर है वो बनाया जाता है, उसके बाद अब ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात है और ये जो पूरा पुलिस बल है वो यहाँ पर फोर्स को यहाँ पर खड़ा किया गया है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई ऐसी जो घटना है वो ना हो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर जो कुछ तस्वीरें हैं वो भी दिखाना चाहूँगा अंदर से, किस प्रकार से जो तस्वीरें हैं अंदर की, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से एक संदेश है उन बदमाशों को, उन अपराधियों को जो इस तरह का कृत्य करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो एक मैसेज देने का काम है वो किया गया है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर इस तरह से कोई कृत्य करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो कार्रवाई है वो इस तरह से ही होती रहेगी। और यहाँ पर जो सामने की और तस्वीरें अंदर की जो तस्वीरें हैं वो अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस बल तैनात है और पुलिस बल के साथ ही जो नगर निगम अमला है वो इस गली, एक सक्रिय सी गली आपको नजर आ रही होगी, इस गली के अंदर तैनात है और गली के अंदर मौजूद है पूरा नगर निगम का अमला जो यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से सूचना आई थी कि एक युवक को जिस प्रकार से यहाँ पर जिसके साथ कृत्य किया जाता है, उस युवक को यहाँ पर पूरी तरीके से हमने देखा कि कैसे उसको कुत्ता बनाया जाता है, उसके गले में पट्टा डाला जाता है और उसके बाद यहाँ पर इस कार्रवाई को अब जो अंजाम है वो दिया जा रहा है। सुबह से बिल्कुल ये कार्रवाई यहाँ पर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। विरोध भी देखने को मिला है, लोगों का ये कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और जिसने गलती की है उसको सजा दी जाए, सभी को सजा क्यों दी जा रही है, घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। वहाँ पर विरोध भी होता हुआ दिखाई दिया और आपस में भी लोग लड़ते हुए वहाँ पर दिखाई दिए हैं।